गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो फिर से क्लास 8 का पार्ट 2 का एक्सरसाइज का टॉपिक है। पार्ट 2 है मानव निर्मित वस्तुएं, और हम इसके जो और क्वेश्चन है वो पहले करा चुके हैं। आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 हम पहली वीडियो में दे चुके हैं, और आज टर्न है क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग भी नहीं कहेंगे, दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं हमसे पूछा है, तो दोनों को हम हेडिंग बना के आंसर देंगे। ये लिखने का तरीका होता है बच्चों, अगर आप अपनी चीज को जो आप पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, तो एग्जामिनर आपको अपने आप ही मार्क्स दे देता है, उसको फिर मार्क्स देने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो प्राकृतिक वस्तुएं वे होती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकृति में स्वतः पाई जाती हैं। स्वतः मतलब अपने आप, मतलब उसके होने या ना होने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे क्या, नदी, पहाड़, पर्वत, पौधे आदि। मतलब वे वस्तुएं जो प्रकृति में स्वतः पाई जाती हैं, जिसके होने में मानव का कोई योगदान नहीं है, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं, नदी, पहाड़, पर्वत, पौधे आदि। फिर आता है इसका सेकेंड, दैट इज मानव निर्मित वस्तुएं। तो मानव निर्मित वस्तुओं से क्या आपको हेडिंग से ही पता लग रहा है, मानव निर्मित मतलब जो मानव ने बनाई है। तो वे वस्तुएं जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे प्लास्टिक, तालाब, कुआं, नल आदि। ठीक है, नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, किन्हीं चार प्रकार के कांच का नाम लिखिए। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि कांच चार प्रकार के ही होते हैं, बस हमें यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। तो पहला कांच है साधारण या मृदु कांच, जिसका प्रयोग हम खिड़कियों में करते हैं। दूसरा है कठोर कांच, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच, और फोर्थ वन इज फोटोक्रोमिक कांच, जो कि हम ग्लासेस में यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गै, पॉलिथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। बच्चों आपकी बुक में बहुत सारे उपयोग दिए गए हैं, आपको अगर ज्यादा देखना है तो आप वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक एक ही पूछा गया है इसलिए मैं एक एक ही दे रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है पॉलिथीन। पॉलिथीन का प्रयोग आपको सब पता है कि थैली बनाने में करते हैं। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का प्रयोग होता है बच्चों नॉनस्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में। आपने देखा होगा नॉनस्टिक बर्तन जो होता है उसमें ब्लैक कलर की लेयर होती है, जो ब्लैक वाले बर्तन होते हैं, काले वाले बर्तन, उसमें जो ऊपर काली परत होती है वो टेफ्लॉन की होती है। एक्रिलिक, कार व ट्रकों की खिड़कियों में जो खिड़कियां होती हैं वो एक्रिलिक की बनी होती हैं। और नेक्स्ट इज, लास्ट वन इज बेकेलाइट। तो बेकेलाइट का जो यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो बिजली के प्लग और स्विच बनाने में करते हैं। इसके अलावा आपको और उपयोग देखने हैं तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, बुक में बहुत सारे उपयोग इनके दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। ठीक है, साबुन जो हम घर में यूज करते हैं, अब देखिए क्या होता है साबुन। साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण है। अभी आपने पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से बनता है, तो वही है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है। ये मृदु जल के साथ झाग देते हैं, लेकिन कठोर जल के साथ झाग नहीं देते हैं। ठीक है, तो पहला है वसीय अम्लों के साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है, मृदु जल के साथ झाग देते हैं लेकिन कठोर जल के साथ झाग नहीं देते हैं। इसका प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, और अपमार्जक किया है, अपमार्जक बच्चों अभी आपको समझ में आ जाएगा। अपमार्जक होते हैं, ये डिटर्जेंट होते हैं। आपने देखा होगा एक कपड़े धोने की साबुन आती है, हम पहले यूज करते थे, सफेद से कलर की आती है, थोड़ी बड़ी सी होती है, तो वो जो है वो डिटर्जेंट है, जो कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं। जो अपमार्जक है डिटर्जेंट होते हैं, कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं। इनका प्रयोग कपड़े धोने में किया जाता है। ये रासायनिक रूप से साबुन से भिन्न होते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है कि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता, जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग देते हैं। वो साबुन होते हैं वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल होते हैं, और ये जो है ये डिटर्जेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, दैट इज मृतिका किसे कहते हैं, कि मृतिका क्या है। तो मृतिका क्या है बच्चों, हम देखते हैं। चलो, कुम्हार द्वारा चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके चाक द्वारा कच्चे बर्तनों को बनाया जाता है। ये तो सबको पता है कि मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है,
कुम्हार बनाता है। तो कुम्हार द्वारा कौन सी मिट्टी प्रयोग होती है? चिकनी मिट्टी प्रयोग होती है, और चाक के द्वारा वो उस पर बना के ऐसे से घुमा के कच्चे बर्तन बनाता है। फिर उन्हें उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। क्या करता है? फिर उन्हें कच्चे बर्तन बनाएगा, फिर उसे भट्टी में पकाएगा कुम्हार। तो बाद में भट्टी में पकाते हैं। पके हुए इन बर्तनों को ही मृतिका कहा जाता है। तो जो पके हुए बर्तन है उनको मृतिका कहते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा एग्जाम्स में बच्चे क्या करते हैं, मृतिका में अगर नहीं पता लिख देंगे जो मिट्टी होती है या जो मर जाता है उसको मृतिका कहते हैं। बट ऐसा नहीं है, कुम्हार ने जो बर्तन बनाए कच्चे बर्तन उनको उच्च ताप पर भट्टी में पकाया, और पकाने के बाद जो पके हुए बर्तन है उन्हीं बर्तनों को मृतिका कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, संश्लेषित रेशे क्या हैं? तो संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? मानव निर्मित रेशों को संश्लेषित रेशे कहा जाता है। अभी आपका पार्ट ही है कि मानव निर्मित वस्तुएं, तो दो तरह के रेशे होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। जो कृत्रिम होते हैं उन्हें हम मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं, उनको हम संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। तो मानव निर्मित को ही हम संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रॉन, रेयॉन आदि। ये उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक है। क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए साथ देने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बस इतना ही, तीन लाइन बहुत है इसके लिए। ठीक है बच्चों, ओके, होपफुली आपको चैप्टर कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।